बुलेट बाइक लच्छा पराठा वाला। जबलपुर में मिट्टू कहकर एक आदमी रहता था, वो एक पराठा होटल चलाता था। अब तो वो होटल रोड बाइडनिंग में चली गई। तब से क्या करना है समझ में नहीं आकर मिट्टू ऐसे परेशानी से बैठा था। तभी बिजेश आकर मिट्टू से, बिजेश क्यों रे मिट्टू, क्यों ऐसे परेशानी से बैठे हुए हो? रोड वाइडनिंग में तो होटल चली गई है, ऐसा कहकर रोते हुए इधर ही बैठोगे क्या? जिंदगी इधर ही खत्म नहीं हुई है यार, कुछ तो समस्या आए है कहकर बैठकर रोने से क्या होगा, कुछ और समाधान ढूंढना पड़ेगा। कहा तब मिट्टू, तुम्हें तो पता है ना बिजेश, कैसे भी मेरा होटल रोड वाइडनिंग में नहीं जाना है कहकर बचे हुए पैसे ऑफिसर्स को रिश्वत जैसा दिया था। सब लोग ने मेरे पैसे खा लिए थे, लेकिन आखिर में मेरा होटल को कोई भी बचा नहीं पाए। अब हाथ में बूटी कौड़ी नहीं है, क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहा तब बिजेश, अरे मिट्टू, तुम्हें और तुम्हारे पराठों को जो क्रेज है वो तो अलग है। तुम कहीं और पर भी होटल शुरू करने से लोग तो आएंगे, जबलपुर तो बहुत बड़ा है, कहीं एक जगह लेकर उधार करके तुम्हारे होटल को खोलते हैं। कहा तब मिट्टू, ऐसा नहीं है रे बिजेश, एक नहीं दो नहीं 20 साल से ये होटल यहाँ चलाया था, बहुत सारे कस्टमर्स मेरा बनाया लच्छा पराठों के लिए बहुत फैंस है। कह रहा था तभी एक बच्चा उधर से जाते हुए उनसे मिलकर, अंकल अब कब पराठा होटल खोलेंगे, हमें फिर से पराठे कब खिलाएंगे, पूछा। तब मिट्टू के आंखों में आंसू भराए आंखें पोंछते हुए मिट्टू, बहुत जल्द ही खोलूंगा बेटा, बहुत जल्द ही। कहा तब वो बच्चा चला गया। देखा बिजेश, कम से कम इनके लिए मेरे पराठा होटल खोलना है, लेकिन मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। कहा तब बिजेश, अच्छा मन से सोचेंगे तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा, होटल ही क्यों खोलना है। तुम्हारे पास एक बुलेट है ना, उसको ही कुछ सेटअप करके गैस स्टोव फिट करके उस पर ही पराठे बनाकर बेचो। तुम्हारा होटल पहले जहां था वहीं पर ही बुलेट बाइक लच्छा पराठा वाला कहकर बेचना शुरू करो, तुम्हें सब कुछ सही सलामत होगा। कहा तब बिजेश जो दिया उस भरोसा से मिट्टू बुलेट बाइक लच्छा पराठा वाला कहकर उसका बुलेट पर ही एक सेटअप करके पराठे बेचना शुरू किया। वो ऐसे सड़क के बगल पर शुरू किया कि नहीं, बहुत सारे लोग आकर उधर क्यू में खड़े हो गए थे। वो देखकर एक पुलिस आया। पुलिस, यो भाई मिट्टू, होटल तो गया फिर भी तुम अपने बुलेट पर लच्छा पराठा का व्यापार तो अच्छे से चला रहे हो। अब तुम्हारा होटल नहीं, रेंट नहीं, काम वालों को वेतन देने की जरूरी नहीं, पूरा फायदा तुम्हारे जेब में ही जा रहा है ना, बहुत अच्छा है बाबू। कहा तब मिट्टू, ऐसा कुछ नहीं है सर, लोगों को मेरे ऊपर अभिमान है। कहा तब पुलिस, ठीक है, ये अभिमान और ये लोग ऐसे ही आना है तो खाली तुम्हारा जेब भरने से नहीं होगा, मेरा जेब को भी भरना होगा। कहा तब मिट्टू, सर इससे पहले ही होटल खो गया है और अभी अभी नया व्यापार पिकअप हो रहा है, ऐसा समय पर आपको ही मुझे कुछ सपोर्ट करना है सर। कहा तब पुलिस, अरे मिट्टू मेरा नाम सपोर्ट सुमित है, मेरा 100% सपोर्ट तुमको ही देता हूँ, तुम भी मेरा हिस्सा के पैसे दे दो, ठीक है, कल शाम को 2 लाख लेकर आओ, मेरा फुल सपोर्ट तुमको ही है। कहा तब मिट्टू बहुत सियापा में रह गया, क्या करना है सोचते हुए ऐसा उदास बन गया। तब सुमित, अरे मिट्टू मैं कितना सपोर्ट देता हूँ पता है ना, अगर मैंने जो पैसा पूछा वो नहीं मिला तो इतना अपोज भी करता हूँ, तुम्हारे वजह से इस सड़क पर लोगों का भीड़ के वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है कहकर तुम्हारा बुलेट को इधर से निकलवा देता हूँ, अच्छे से सोच लो और पैसे दे दो, नहीं तो कल से तुम और तुम्हारा ये बुलेट बाइक इधर नहीं रहेंगे, तुम्हारा लच्छा पराठा का व्यापार बंद हो जाएगा, कहकर चला गया। ऐसे उदास से बेटा मिट्टू के पास बिजेश आया। बिजेश, अरे क्या हुआ है, फिर से रोने का शक्ल लगाया, सब कुछ ठीक ठाक है ना, पूछा। तब मिट्टू जो हुआ वो सब उसे बताया। पूरा सुनकर बिजेश, अरे एक आइडिया है, तुम्हारा लच्छा पराठे 4 पार्सल करो, कहकर दोनों उन पार्सल को लेकर लोकल पॉलिटिशियन प्रकाश बाबू के पास गए। उनको देखते ही प्रकाश, क्या मिट्टू क्या बिजेश, ऐसे ही आए हो, खाली हाथ आए हो या फिर मेरे लिए लच्छा पराठा लेके आए हो, पूछा। तब बिजेश, भैया जी आप भी ना भैया जी, आपको हमारा मिट्टू का बनाया लच्छा पराठे कितना पसंद है हमें पता है ना, ये लीजिए, कहकर पराठा दिया। तब प्रकाश बाबू बहुत मजे से उनको खाया। खाने के बाद प्रकाश, बहुत बढ़िया है,
बहुत स्वादिष्ट है। क्या जादू करते हो यार मिट्टू तुम, सब कुछ ठीक ठाक है ना अब? पूछा तब मिट्टू। भैया जी, मेरा होटल रोड वाइडनिंग में चले जाने के बाद मेरा बुलेट बाइक पर ही ये लच्छा पराठे बनाकर बेच रहा हूँ। व्यापार तो ठीक से हो रहा है, लेकिन एक पुलिस सपोर्ट सुमित आकर मुझे धमकी देकर 2 लाख रिश्वत पूछ रहा है भैया जी। कहा तब पॉलिटिशियन प्रकाश बाबू सुमित को फोन करके, अरे सुमित क्या रे, मिट्टू के पास जाकर धमकी दे रहे हो? कह रहा है मैंने ही तुम्हें इधर पोस्टिंग में लगवाया था और तुम मेरे आदमियों को ही धमकी दे रहे हो, मिट्टू को उधर नहीं रहने दूंगा, ऐसे कुछ बोल रहे हो? कह रहे हैं क्या बात है? पूछा तब सुमित। भैया जी भैया जी भैया जी, गलती हो गया है भैया जी, मुझे माफ कीजिए भैया जी, अब से मिट्टू के पास ही नहीं जाऊंगा। कहा तब प्रकाश मिट्टू लोगों से, अब तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मिट्टू, खुशी से पराठे बेचो, जाओ, कहकर मिट्टू से कहा। तब से मिट्टू उधर लच्छा पराठा बेचते हुए खुशी से जीने लगा।